दुनिया का richest person अभी पता है आपको कौन है? Elon Musk. उसके बाद दूसरे भी आ जाएंगे उसको भी कंपीट करके, क्योंकि अल्लाह ने जो दिमाग दिया है ना, उसने जितना इस्तेमाल किया उतना कमाया, उससे ज्यादा जो इस्तेमाल करेगा तो उसको पीछे कर देगा. एलन मस्क के पास में एक लड़की आई, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन यानी उसकी एम्प्लॉय आई, आकर बोली कि आई वांट टू रिजाइन माय जॉब, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूं. तो एलन मस्क ने क्या कहा, ये पैसे लीजिए, दुनिया का राउंड लगाइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, एक महीने के बाद आइए, फिर मैं बताऊंगा कि आपका रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा. जम के मोटी रकम दी उसने. क्या बेहतरीन क्रिएटिविटी देखिए एलन मस्क में, वो क्यों दुनिया का अमीर है आज. रेजिग्नेशन के दो आउटपुट्स हैं, या तो एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट कर दें कि सर आई एम गोना रिजाइन दिस जॉब. तो यस, एक्सेप्टेड, आप जा सकते हो. एलन मस्क ने क्या कहा, ये पैसे लीजिए और दुनिया का सैर कीजिए, एक महीने के बाद आइए. एक महीने के बाद आने के बाद रेजिग्नेशन लेटर पर लिखा, एक्सेप्टेड, आप जा सकते हैं, जाइए. क्यों पैसे खर्चा होगा, इतना पैसे खर्च कर क्यों एक्सेप्ट किया होगा. उसने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया, ये बहुत टैलेंटेड बंदी थी, इसके बिना मेरी ऑफिस चल पाती कि नहीं चल पाती. मैंने देखा मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ, मेरे पास और भी ऐसे है, जरा भी नुकसान नहीं हुआ इसके जाने से. एक महीने में इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये नहीं भी रहे तो चलेगा मेरे ऑफिस, आप जा सकते हो. अगर उसे लगता कि इसके बिना मुझे नुकसान हो रहा है तो उसकी सैलरी डबल करके रखता उसको. यानी अपनी छाप छोड़ना जहां भी जाए, आपकी पहचान होना कंपनी में. आप अगर जॉब कर रहे हो ना, यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट. आपकी पहचान होना चाहिए. आपके ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हो, एक दिन नहीं आए तो पूरे ऑफिस हिल जाना चाहिए. इतना टैलेंट आपके पास में होना चाहिए, ऐसा वर्किंग स्टाइल आपका होना चाहिए. एक दौर था, देखिए सचिन तेंदुलकर की विकेट जाते इंडिया हार जाती थी, पूरी नजर सचिन तेंदुलकर पर होती थी. अब वो दौर नहीं है, अब कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है. वन प्लेयर डिपेंडेंट टीम थी जब सिर्फ सचिन पे, अब तो एक से आला एक खिलाड़ी आया है और बहुत खिलाड़ी आ रहे हैं. लाइन में एक टीम हट गए तो दूसरी टीम तैयार है खेलने के लिए. एक प्लेयर हट जाए तो दूसरा प्लेयर नहीं, एक टीम हट जाए तो दूसरी टीम भी तैयार है. इतने टैलेंट की जरूरत है प्यारे नौजवान बच्चों. अगर आप दिन में एक घंटा कोई एक सब्जेक्ट को लेकर तीन महीने लगातार पढ़े ना, चैलेंज करता हूं आपको 80 मार्क्स आएंगे 100 में उसमें, लेकिन आपने कभी पढ़ाई की नहीं उस इंटेंशन से.